मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में डिंपल यादव मौजूद हैं। उपचुनाव चल रहा है तो ऐसे में जो प्रचार प्रसार है वो तूफानी चल रहा है। किसी विधानसभा है जहां पर आप देखिए मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी जो यहां की उम्मीदवार हैं डिंपल जी वो मौजूद है। उनके बगल में ही तेज प्रताप यादव जो पूर्व सांसद हैं वो मौजूद है मंच में। तमाम और पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर मौजूद है और लगातार चुनाव जो प्रचार है वो चल रहा है। 3 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं आज से ही जो शिवपाल यादव हैं और इनके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चाचा वो भी चुनावी मैदान पर बैठक के बाद उतर चुके हैं। और आप देखें कि भारी संख्या में जो जनसमुदाय है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। नेताजी के देहांत के बाद ये लोकसभा मैनपुरी की लोकसभा सीट जो खाली हुई थी उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में अब डिंपल जी यहां चुनावी मैदान में है। तो चुनावी मैदान में होते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि लगातार उनका जो जनसंपर्क अभियान है चुनाव प्रचार है। छोटी छोटी पंचायतें हैं वो पंचायतों का दौर जो है वो शुरू है। तो अभी यहाँ से किसनी विधानसभा की पहली जनसभा का आगाज हो चुका है। इसके बाद मैनपुरी पहुंचेंगे। मैनपुरी के बाद जनसंपर्क करते हुए देर शाम तक सैफइया आवास पहुंचेंगे। कैंपस दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, किसनी, मैनपुरी।